आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर एसपी सिटी ने किया फ्लैग मार्च। 27 अक्टूबर की रात को एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने शहर मुरादाबाद के मुख्य बाजारों और सिकरी गलियों में फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान को कोतवाली श्रीमती सुनीता दहिया, एसएचओ कोतवाली जसवाल ग्वाल, नागफनी के सो सुशील कुमार, थाना मुगलपुरा के इंचार्ज कुलदीप कुमार तोमर मौजूद रहे। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी त्योहार दीपावली को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है और सभी थाने को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बाजारों में भीड़ है और इस भीड़ में भी शरारती तत्वों पर पहली नजर रखी जा रही है। ये फ्लैग मार्च थाना मुगलपुरा से शुरू होकर फैजगंज मंडी चौक, बर्तन बाजार, अमरोहा गेट, टाउन हॉल, कोतवाली होता हुआ चौक ताड़ी खाने पर संपन्न हुआ। इस दौरान कई दोपहिया वाहनों के चालान भी काटे गए। सर, आगामी त्योहारों को लेकर फ्लैग मार्च किया गया, दीपावली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस बहुत सतर्क है और सभी थाना क्षेत्रों में लगातार स्थिरता बनी हुई है। सभी लोग पुलिस पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जगह जगह पर हमने टिकट्स लगाए हैं, ट्रैफिक का पूरा अरेंजमेंट किया गया है, बंदोबस्त किया गया है। हम लोगों ने पहले हमारे व्यापारी बंधु हैं, सब लोगों से हम लोगों ने बातचीत की है, उनकी सुलभता के लिए क्या किया सकता है, सारी तरह से हम लोगों ने की है। और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे दूसरी बार है, सभी लोग एक तरीके से अपनी मार्केटिंग के साथ शॉपिंग कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्थाएँ करेंगे। और स्क्रीन कैमरा वगैरह सभी प्लेस हैं, ड्रोन हम लोग सर्वलॉन्च भी कर रहे हैं। हमारी पूरी सारी व्यवस्थाएँ प्लेस के दौरान सुनिश्चित कराएंगे कि आने वाले जितने त्यौहार हैं सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़े ही सुगमता के साथ रहेंगे।